भगवान एक है, वो है कृष्णा। भगवान कितने हैं और वो कौन है? कई नहीं बोले, उनको डर लगता है मेरे इष्ट देव रुठ जाएंगे, है ना? भगवान कृष्ण से अलग इष्ट रुठ जाएंगे। भगवान कौन है? वो कौन है? कृष्णा। तो इन कृष्णा के अनन्य डिपार्टमेंटल मिनिस्टर हैं, जैसे एमपी एमएलए होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर एक, प्रेसिडेंट एक कृष्णा, प्राइम मिनिस्टर प्लस प्रेसिडेंट इक्वल टू कृष्णा, एमपी प्लस एमएलए इज इक्वल टू देवी देवता ब्रह्मा शिवा चंद्र बृहस्पति सरस्वती गणपति 33 करोड़ देवता। तो भगवान कितने, वो कौन, और देवी देवता है कितने? तो इन सबको खिचड़ी करना, ये सब भगवान है, सब भगवान। किसी को आप पूछो भगवान कौन है, सब भगवान है, ये सब भगवान है, सब भगवान नहीं है। द गॉड परमेश्वर एक है, वो है कृष्ण। तो इन कृष्ण के नामों के बराबर देवी देवताओं का नाम समझना। भगवान श्री कृष्ण का नाम उत्तम है, सर्वोत्तम, क्योंकि वो ही भगवान है। और देवी देवताएं का नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम से बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। यस्तु नारायणम देवतम ब्रह्म रुद्रादि दैवतम समत्वे नव कर्तव्यम पाषंडी भवे दृढ़म। पाषंडी पाखंडी किसे कहते हैं? यस्तु नारायण देवता, जो नारायण है कृष्ण नारायण, यस्तु नारायण देवतम ब्रह्म रुद्रादि दैवत, ब्रह्म रुद्र शंकर आदि देवता समत्वेन कर्तव्यम, समत्वम नैव कर्तव्यम, उनको बराबर नहीं करना चाहिए। अगर बराबर समझते हैं तो उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? पाखंडी। वेरी गुड। यहाँ पाखंडी कौन है? कोई नहीं। कौन है पाखंडी? कोई तो होगा। पाखंडी किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण के नाम के बराबर अन्य देवी देवताओं का नाम जो समझता है, अर्थात श्री कृष्ण के बराबर देवी देवताओं को समझता है, वो क्या है? पाखंडी है। तो भगवान श्री कृष्ण की ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, भगवान श्री कृष्ण मैंने बताया कि ये भगवान है और 33 करोड़ देवताएं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये परात्पर परमेश्वर भगवान है और उनको कोई भी भौतिक जगत के नियम लागू नहीं पड़ते। जैसे कि राजा अपने राज्य में कुछ भी गलत नहीं कर सकता, राज्य के नियम राजा को लागू नहीं पड़ते, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भौतिक जगत के कोई भी नियम लागू नहीं पड़ते। वो त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से पर, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सत्व रजस एंड तमस।
और ये भगवान श्री कृष्ण सब ब्रह्मांडों के मालिक हैं और इनका शरीर शुद्ध है, शुद्ध सात्विक है, सच्चित आनंद से बना हुआ है। हम जैसा भौतिक शरीर नहीं, भौतिक का अर्थ है भूत, पंचभूत। पंचभूत का अर्थ है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो इन चीज़ों का शरीर हमारा बना है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। अर्थात सत चित आनंदमय है। और भगवान का जो लोक है, तीनों लोक के मालिक है भगवान कृष्ण। और ये भगवान कृष्ण सब अवतारों के अवतारी स्रोत हैं। तो शास्त्रों में इन बात का समर्थन किया गया है, एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भ्रत्य आर इच्छाएं नाचिया भाई तारे करे नृत्य। परमेश्वर एक है, वो है कृष्ण, और बाकी के सब उनके भ्रत्य दास, दासानुदास हैं। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतम समत्वे नैव कर्तव्यम सपाषाणी भवे दृढ़म। मैंने अभी ये श्लोक आपको समझाया। भागवत में कहते हैं यथा तरो मूल निषेचनेन तुष्यन्ति तदस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपचारेण यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वैर हनामच्युतेज्य। जिस प्रकार बड़े पेड़ के जड़ में पानी देने से सारा पेड़ तृप्त हो जाता है, पत्ते, फूल, फल, टहनियाँ, ट्रंक्स, स्टेम, सारा पेड़ तृप्त हो जाता है। लेकिन पत्तों को पानी देने पर और फूल फल को पानी देने पर, उनकी टहनियों को पानी देने पर पेट तृप्त नहीं होगा। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो सबकी जड़ हैं, उनकी सेवा करने पर, उनकी भक्ति करने पर सबकी भक्ति आपो आप हो जाती है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म, परात्पर परमेश्वर, गोलोकेश्वर, एक कृष्ण ही है, सबका मालिक एक वो है कृष्ण। लोग क्या कहते हैं, सबका मालिक एक वो है मैं। नहीं, सबका मालिक एक वो है कृष्ण।